दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्लिक कीजिए। हेलो एवर्स, लेकर आया हूँ मैं फिर से एक बेहतरीन सा वीडियो, जिसमें आज आपको मैं बताऊंगा ट्राउज़र की डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखते रहें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें। ट्राउज़र को कट कर लिए हैं। ट्राउज़र को कट करने के बाद जो है दोस्तों, उसके साथ साथ हमने जो है ये 2 इंच चौड़ी पट्टी कट की है। इसको जो है हमको नीचे प्लेटें डाल के इसमें अटैच करना है और इसमें जो है डिज़ाइन भी बनाना है। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। दोनों को यहाँ पे बराबर करके सिलाई लगा लेना है हमको इस तरह से। उसके बाद जो दोस्तों हमको यहाँ पे जो है लेवल सिलाई लगाना है। ये जो है दोस्तों, ये नीचे की मोड़ी के साइड है। यहाँ से हमको जो है यहाँ तक 10 इंच पे निशान लगाना है। 10 इंच पे निशान लगा लेने के बाद अब जो है दोस्तों, ये जो मिडिल के सिलाई है, मिडिल के सिलाई से इधर 4 सिलाई लगाना है और यहाँ से इधर हमको 4 सिलाई लगाना है। यहाँ से हमको इस तरह से 1 इंच की गैप की अब छोड़ के हमको सिलाई लगाना है। इसको जो है दोस्तों, हमने देखिए 4 इस साइड में और 4 इस साइड में, टोटल जो है हमने 9 सिलाई लगा लिए हैं। यहाँ पे जो है दोस्तों 4 इंच की गैप यहाँ पे छोड़ के यहाँ से इधर 1 इंच पे हमको जो है हर सिलाई लगाना है। यहाँ से हमको जो है इस तरह से यहाँ पे सीधा करके 1 सिलाई लगा लेना है। उसके बाद जो है दोस्तों, ये देखिए हमने जो है इधर से 5 सिलाइयाँ लगा लिए हैं। 5 सिलाइयाँ लगा लेने के बाद उसके बाद जो दोस्तों, अब हमको यहाँ पे जो है प्लेटें डाल के यहाँ पे प्लेटें अटैच करना है। उसके बाद जो है दोस्तों, अब ये 2.5 इंच की चौड़ी हमने जो इस पट्टी को कट किए हैं, यहाँ पे इसको बैठा के प्लेटें डालना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है प्लेटें डाल दिए हैं। प्लेटें डाल के इसको अटैच कर दिए हैं। अब जो है दोस्तों, यहाँ पे हमको लेवल सिलाई लगा लेना है। अब जो है दोस्तों, हमको यहाँ पे जो है येलो कलर के जो है 3 पट्टियाँ अटैच करना है। बाद जो है दोस्तों, ये देखिए हमने जो 3 पट्टियाँ कट की हैं, इसकी लंबाई जो है दोस्तों 3.5 इंच की है और इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच की है। इसको जो है इस तरह से यहाँ पे हमको फोल्ड करना है। इसको जो है अंदर के साइड फोल्ड करके यहाँ पे भी सिलाई लगा लेना है।
इसी तरह से जो दोस्तों हमको तीनों को रेडी करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है तीनों पट्टियों को रेडी कर लिया है सिलाई लगा के। उसके बाद जो है दोस्तों, ये जो है हमने पैंट के बटन लिए हैं और ये कपड़ा जो है हमको 2 इंच चौड़ी कट करना है इस तरह से। उसके बाद जो है दोस्तों, हमको बटन से बनाना है कपड़ा से। इसको यहाँ पर इस तरह से बैठाने के बाद यहाँ पर इसको अच्छी तरह से टाके लगा देना है धागे से। इसको जो है टाके लगा दिए हैं। उसके बाद जो दोस्तों, यहाँ पे हमको कट लगा देना है। ये देखिए, हमने जो बटन सेट तैयार कर लिए हैं, इस तरह से हमको यहाँ पे पलेटें डालना है छोटी छोटी। पलेटें डालने के बाद यहाँ पे हमको जो है सुई और धागा की मदद से सिलाई लगा लेना है। तो जो हमने टाके लगा दिए हैं, अब जो है दोस्तों यहाँ पे हमको बटन्स बैठाना है। बटन्स को यहाँ पे बैठा के सिलाई लगा लेना है। अब जो दोस्तों, इसमें टाके लगा देना है अच्छी तरह से। लगा देने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये जो है रेडी हो गया। इसी तरह से जो दोस्तों, हमको तीनों को रेडी करना है। इसको रेडी कर लेने के बाद जो दोस्तों, अब हमको जो है असल में इसको अटैच करना है। मिडिल सिलाई में जो हमको अटैच करना है, एक जो है यहाँ पर अटैच करना है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तीन को तीन जगह पर अटैच करना है। सबसे पहले जो दोस्तों, हम आपको इसको अटैच करके दिखाते हैं। यहाँ पे इस तरह से अटैच करना है और एक यहाँ पे इस तरह से, और ये तीसरा वाला यहाँ पे इस तरह से। तीनों को यहाँ पे इस तरह से अटैच कर देने के बाद, उसके बाद जो दोस्तों, हमको यहाँ पे मोती अटैच करना है। जैसे कि हम मोती नहीं, आपको यहाँ पर चौक से निशान लगा के दिखाते हैं। एक मोती यहाँ पर, एक मोती यहाँ पर, एक मोती यहाँ पर, इस तरह से हमको सब में मोती अटैच करना है। और यहाँ पर इस तरह से जो है दोस्तों, हमको मोतियाँ अटैच करना है। ये देखिए दोस्तों, हमने जो है मोती भी अटैच कर दिया। मोती अटैच करने के बाद यहाँ पे जो है दोस्तों, हमने कपड़ा बैठा के बटन्स भी अटैच कर दिए हैं। देखिए दोस्तों, कितना नाइस लुकिंग आया है था मेरा ट्राउज़र डिज़ाइन। दोस्तों, डिज़ाइन कैसा लगा कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह से नए नए डिज़ाइन पाने के लिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगले न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा, खुदा हाफिज़।